तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी मैं स्कूल से तो आ गया हूँ और अभी मैं कपड़े वगैरह से चेंज कर चुका हूँ और यहाँ पे मेरे पास अभी इतने बड़के बड़के नींबू, यहाँ पे इतने बड़े नींबू हैं जो अपने घर के बगल में पेड़ है नींबू का, एक गिर गया। ताई जी, कुछ ज्यादा ही बड़े नींबू है यहाँ पे। अपने घर के बगल में पेड़ है नींबू का, अभी आपको दिखाते हैं। ताई जी ने तोड़ के दिए हैं इतने बड़े बड़े नींबू, तो उसमें अभी भी दो तीन लगे भी हैं। ऐसे आप इस नींबू का साइज दे सकते हैं, मेरे मुंह के मतलब बहुत बड़ा है इसका साइज, हाथ में पूरा फिर रहा है, इतना बड़े नींबू है ये, मतलब इतने छोटे छोटे होते हैं नींबू। गाइस, यहाँ पे है नींबू का पेड़, ये रहा, ये तो अपने अमरूद का पेड़ है और वो देखिए गाइस, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ये वाला पेड़, ये नींबू का पेड़, इसमें नींबू लगते हैं बड़े बड़े। गैस, पहले यहाँ पे इस वाले पेड़ में अपने अमरूद लगते थे, लेकिन अब इस पेड़ में अमरूद नहीं लगते अपने। आज ऊपर चल के देखते हैं छत पे क्या हो रहा है। मम्मी, कपड़े फैला रही हो? हाँ। फैला दिए सारे कपड़े? गैस, कुछ ज़्यादा ही पानी है, चू रहा है पानी से। गाइस, यहाँ पे मोरंग बालू के इतने बड़े बड़े कट्टे आ गए हैं, क्योंकि अभी रेलिंग लगेगी ना, पे नीचे रेलिंग रखी है तो वो रेलिंग पूरी यहाँ लगेगी, यहाँ से पूरी वहाँ तक रेलिंग लगेगी। अब वहाँ चल के देखते हैं वहाँ के क्या सीन है। एक पैर यहाँ रखना है, खड़े हो जाना है, फिर दूसरा पैर यहाँ, पैर यहाँ आओगे मम्मी? नहीं आ पाती, ज्यादा गैप नहीं, इतना ही गैप है, पैर घुसेगा तो सीधे नीचे ही जाओगे, देखो इतना गैप है। एक पैर इधर रखो, फिर दूसरा पैर इधर रखो, फिर आ जाओगे। हाँ गाइस, गैपिंग तो है, नीचे नीचे गिर सकते हैं, जरा सा पैर स्लिप हुआ तो नीचे अब गेटली में जाएंगे। मिस्त्री जी की बना लो, मिस्त्री जी याद कर रहे थे, कह रहे थे ब्लॉग देखते हैं भैया कहाँ है, कल पूछ रहे थे, मुझे स्कूल गया है। अच्छा, गए यहाँ पे अपने भैया मस्त काम कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, गाइस प्लास्टर कर रहे हैं, नाम भूल जाते हैं, इसको प्लास्टर कहते हैं। आप लोग, आप अपना रोज ब्लॉग देखते हैं? गाइस, भैया को अपने चैनल बता दिया था, भैया अपने रोज ब्लॉग देखते हैं, ऐसे कर दिए लाइक करने को, लाइक फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, यहाँ पे सब तरफ दीवार है और दीवार में वो भी कर दिए, क्या कहते हैं जो कराए अपने, प्लास्टर भी कर दिया सब जगह, लेकिन यहाँ पे अपना, यहाँ पे वो लगी रेलिंग लगेगी, यहाँ से घूम के पूरी वहां तक रेलिंग लगेगी, यहाँ पे दीवार नहीं खड़ी की है। कल तक यहाँ पे दीवार नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे दीवार हो गई है। अभी मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ और दादा यहाँ पे अभी बना रहे हैं अपनी अंडा भुजिया। कितने अंडे बना रहे हो? 8 अंडे। गाइस, 8 अंडे की भुजिया बना रहा है, तो अभी खाते हैं अंडा भुजिया, ये बना रहा है दादा यहाँ पे। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं इसकी मदद से। ये एक बहुत मोटी रबर है, ये आपको नॉर्मली शॉप पे मिल जाएगी। किस शॉप पे मिल जाएगा? हार्डवेयर। गाइस, ये आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगी। इसको साइकिल पीछे की चीज को बांधी जाती है, आपको 25 से 30 रुपए की मिल जाएगी ये। तो इसको क्या करना है कि इससे हम लोग आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं। जो ये चीज जो है ये पीछे का हिस्सा, यहाँ से तो पकड़ेंगे हम लोग, ये जो हिस्सा है उसको कोई और दूसरा आदमी पकड़ लेगा, जैसे दादा है यहाँ पे, तो दादा को पकड़ा देते हैं, ऐसे पकड़ लिया, तो अब मैं ये जो हिस्सा है ये बंद है पूरा, तो इसको ऐसे करके पकड़ लेंगे हाथ में। अब यहाँ पे अपनी आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस ऐसे होगी कि इसको मतलब आपको जितना वो उसका ज्यादा तेज करना है, कम करना है, तो वो उसको उसके ऊपर है, तो इसको आप क्या करते हैं बार बार ऐसे आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस, ऐसे हम लोग घर में आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसको 10 से अभी ज्यादा दिन नहीं, 5 से 6 दिन हुए हैं खाली मुझको, और मैंने बहुत सारे इम्प्रूव देखा है इसमें। अब करते हैं प्रैक्टिस जरा। गाइस, अभी सीधे हाथ से प्रैक्टिस कर ली है और उसको करने के बाद अच्छा पंप भी आ जाता है। गाइस, अब मैं आपको दूसरी बार ये बताना चाहता हूँ कि आप पंच की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। पंच की प्रैक्टिस में अगर आप बहुत मतलब शुरुआती में कर रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे मतलब शुरुआती में ऐसे दीवार पर जब पंच की प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपकी हाथ में बहुत ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है। शुरुआत में मैंने भी ऐसी दीवार पर मारा, तो मेरी भी बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी, तो मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने लिया है सैंड बैग। यहाँ पर मेरे पास झोला है, तो इसके सैंड भरी है, बालू भरी है मैंने। अगर आपको स्मूथ चाहिए तो आप स्मूथ सैंड भी ले सकते हैं, वो भी मिलती है, उससे बहुत स्मूथ रहता है, तो ये हल्की टाइट टाइट है। तो इसको क्या करना है, ऐसे कोने में कर लिया जहाँ मैंने, अब क्या करेंगे इसको हल्का गोल गोल करके इससे पंच की प्रैक्टिस करेंगे।
गाइस इससे मैं पंच की प्रैक्टिस करूंगा। अब सीधे से आपको हैंग ग्रेनेड बार 100 बार ऐसे मारना है रोज रोज। दूसरे में आप इससे मारेंगे पीछे का हिस्सा है ऐसे। गाइस अभी रात बज चुके हैं 10, तो फिलहाल के मैं व्लॉग एंड कर देता हूं। अगर आपको व्लॉग देखकर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।